और देख, इंडिया में अगर जीत गई तो बियर की पार्टी मेरी तरफ से शाम को। रखूंगी, पूरे दिन भूखी रहूंगी, मुझे बल्कि तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखो, फुल एंजॉय करो, फ्रेंडों के साथ खूब चेयर करो यहाँ पे बैठ के। हाँ, इंडिया इंडिया इंडिया, भले ही बीबी मर रही हो वहां, गिर जाए चक्कर खा के व्रत में। ए, क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते हैं। छोटे, तू स्टार्ट कर। देवियों और सजनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आपके लिए एक धमाकेदार वाला प्रैंक जिसका टाइटल आप देख चुके हैं। तो प्रैंक कुछ ऐसा है, बता देता हूँ फिर भी, कि रंजना कल के करवा चौथ के लिए बहुत तैयारी कर रही है, मेहंदी लगवा रही है। पी ट्यूशन वाली लड़की आई है, उससे मेहंदी लगवा रही है। आपको दिखाने ले जाऊँगा कितनी तैयारी कर रही है। तो कुछ ऐसे ही सोचा है कि एक धमाकेदार प्रैंक ये होना चाहिए कि कल का यानी करवा चौथ वाले दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो कि आने वाला है, जिसके लिए सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस पर प्रैंक मैं ये करने वाला हूँ कि मेरे सभी दोस्त यानी मेरे दोस्तों का जो ग्रुप है वो कल मेरे घर पे आएंगे सारे दोस्त, और बैठ के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखेंगे हम सभी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और पार्टी करेंगे। कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह सब मैं लेके आने वाला हूँ, दोस्त भी लेके आएंगे कुछ। तो ये सब हम जब पार्टी करने वाले हैं तो कल हम इन्जॉय करेंगे, ठीक है? तो मेरे दोस्त का फ़ोन पे मैं बात करते हुए उसे सुनाऊंगा, ठीक है? तो ये प्रैंक कुछ ऐसे सक्सेसफुल होने वाला है, देखते हैं कि उसके रिएक्शन क्या होते हैं। आई होप आप सब लोग जानते हो कि जब त्यौहार वाला दिन है तो उस दिन लेडीज़ कितनी बिजी होती हैं, और ख़ास करके वाइफ वगैरह करवा चौथ वाले दिन तो सबसे ज़्यादा बिजी रहती हैं, क्योंकि उन्हें मेकअप भी करना है, सब कुछ तैयारी करनी है, खाने पीने की तैयारी, बच्चे को खाना देना, और फिर अपनी मेहंदी वगैरह पूजा की तैयारी करना, ये सब। तो करवा चौथ वाले दिन तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, ऊपर से सुबह से उन्होंने एक गिलास पानी भी नहीं पी रखा होता। तो कल ना परेशान करते हुए, कल तो खैर मैं उस पर कोई प्रैंक नहीं करूँगा, कल का करवा चौथ कोई प्रैंक नहीं होगा, सिर्फ एक ब्लॉग होगा जो कि परसों आएगा, ज़रूर देखना उसको। तो कहने का मतलब ये है कि आज ही प्रैंक कर लेता हूँ, जिससे देखते हैं उसके रिएक्शन क्या होते हैं, क्या कहेगी, कैसे कहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स? तो आई होप वीडियो बहुत इन्जॉयफुल होने वाली है, और साथ के साथ इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच भी हम लोग साथ में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि रंजना कितनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रही है अपनी मेहंदी की, और कैसे मेहंदी लगवा दी। चलिए मैं आपको जब दिखाता हूँ, और रंजना जब मेहंदी लगवा के ऊपर आ जाएगी वैसे ही हमारा प्रैंक स्टार्ट हो जाएगा, और वैसे ही मैं अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करने की एक्टिंग करूँगा जिससे उसको प्रैंक रियल लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स? वीडियो पूरी जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगी। देखिए फ्रेंड्स, रंजना की मेहंदी। क्या बात है, क्यों घूम रहे हो? ब्लॉग बना रहा हूँ, कल करवा चौथ का ब्लॉग बनाऊंगा ना। झूठ बोल रहा है। देखा मेहंदी कितनी अच्छी है। तो आधी है, अभी तक काफी बात की है बनाने की। अच्छी बनेगी। तो देख रहे हो फ्रेंड्स, रंजना मेहंदी की कितनी तैयारी कर रही है। देखो चलो, ठीक है आ जाना ऊपर जल्दी है। चलिए फ्रेंड्स, चलिए। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कि रंजना को कितनी बड़ी तरीके से बेवकूफ बनाया। अब हमें सिर्फ ये करना है कि कैमरा सेट करना है, ठीक है? और रंजना का आने का वेट करते हैं। रंजना जैसी आएगी मैं फोन पे बात करने लग जाऊंगा, ठीक है? 3 hours later. दोस्तों, फाइनली 3 घंटे बाद रंजना की मेहंदी लग चुकी है और वो ऊपर आ रही है। तो चलिए अब हम अपना प्रैंक स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? मैं बैठता हूँ वहाँ पर और अपने दोस्त से इसी फ़ोन से फ़ोन पर बात करने की सिर्फ जस्ट एक्टिंग करूँगा मैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो आ गई है दोस्तों, मैं जाता हूँ जल्दी। हेलो, हाँ भाई रोहित। हाँ, तुझे पता चल गया कि मैं सारे दोस्तों के साथ। हाँ, नहीं देखना। हाँ सही है, बहुत अच्छी अच्छी अच्छी। तो हाँ, तेरे को पता पड़ गया ना, हाँ, कल का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो है T20 वर्ल्ड कप का, उसमें क्या है, हम सब दोस्तों ने एक साथ देखने का प्लान बनाया है। हाँ, मेरे घर पर। हाँ
हाँ रोहित भी आएगा, रिंकू आएगा, आशीष आएगा, हाँ प्रदीप भी आएगा, राहुल आएगा, हाँ कुल मेरे को मिला के 7-8 लोग हो जाएंगे। सही खेल गए वैंच। हाँ मस्त, जो तुम लोगों को लेके आना हो वो ले आना, स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो तुम लोगों को लेके आना वो ले आना, बाकी सब की प्लानिंग मैं कर लूँगा। हाँ बाकी सब की व्यवस्था मैं कर लूँगा। और देख इंडिया में अगर जीत गई तो बियर की पार्टी मेरी तरफ से शाम को। क्या बोला तूने? अरे बहुत इन्जॉय करेंगे, सबसे मज़े की बात तो ये है कि हाँ लेडीज कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाली है। जो सारे दोस्तों ने प्लान तो इसीलिए ही बनाया है कि सब अपने घर छोड़ के मेरे घर पे इसीलिए आ रहे हैं। एक तो मेरी बीवी तो बहुत स्वीट है, वो मान जाएगी। और पता है क्या है कि उनके पास कोई फ़ोन भी नहीं आने वाला है कि हाँ घर पे आ जाओ, काम की ज़रूरत है, कुछ नहीं, क्योंकि कल की करवा चौथ है तो लेडीज़ ना अपना सब बिजी रहेंगी काम में। तो सब फ्रेंड ने इसीलिए प्लान बनाया कि कोई किसी के घर से फ़ोन आएगा ही नहीं। हाँ चल ठीक है, और सुबह बात करते हैं। वैसे तो खैर देख 7:30 बजे मैच स्टार्ट होने वाला है, मैं जहाँ तक जानता हूँ 7:30 बजे टॉस वगैरह होके भी ना 8 बजे तक मैच ना रेडी हो जाएगा। तो 8 बजे क्या, मैं तो कह रहा हूँ 7:30 बजे तक आ जाओ तुम लोग। अबे चाय नाश्ता भी मेरे यहाँ कर लेना यार। हाँ, चाय नाश्ता मेरे यहाँ कर लेना, ठीक है? चल ठीक है फिर, ठीक है। तो तुम जा करके खेलो बेटा, चलो मुझे पापा से कुछ बात करनी है, आप जाकर खेलो। दिखाओ मेहंदी, बढ़िया लगा ये भाई। एक बात बताओ, कल किसको किसको बुला रहे हो घर पे? दो तीन दोस्त तो वही हैं मेरे साथ के जो पड़े हुए हैं। तो क्या प्लानिंग चल रही है सुबह, मतलब कौन आ रहा है क्या ये कल करवा चौथ है, पता है कि नहीं पता है? तो तुम्हें ये नहीं पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है यार, हम सब दोस्त साथ में मिलके तो देखते हैं। और पहले जब मैं दोस्तों के साथ चला जाता था, अब की बार दोस्तों ने प्लान बनाया नवीन तेरे यहाँ आ जाए, उन्होंने एक बार में पूछी, मैंने एक बार बोल दिया आ जाओ यार। तो कल सुबह सुबह तो हाँ तो क्या हो गया? वो पता है, कल मैं व्रत रखूंगी, पूरे दिन भूखी रहूंगी, मुझे बल्कि तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी कल डुगू को संभालने में, मेरी हेल्प करने में, और तुम अपने फ्रेंडों को बुला रहे हो। अरे यार मेरी, मैं क्या हेल्प करूँगा? देखो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे डुगू को संभाल लूँगा, चाय नाश्ता बना दूंगा, तो ये सब कर दूंगा सुबह ही सुबह में। तो तुम्हारे फ्रेंड्स आएंगे तो तुम क्या कह रहे थे, और पार्टी वगैरह की क्या कह रहे थे, बियर पार्टी क्या कह रहे थे? वो तो ये कह रहा था यार पाकिस्तान मतलब इंडिया अगर जीत गई तो बियर की पार्टी मेरी तरफ से। एक बात बताओ, कल पूजा होगी घर में कि बियर पार्टी करोगे यहाँ पे? चलो हम बाहर कर लेंगे यार। तो बाहर क्यों जाओगे भाई, पूजा जब घर में होगी तुम्हारे लिए मैं व्रत रख रही थी, कोई ये मेहंदी मैंने ऐसी लगवाई है मैंने। मैच सुबह अगर स्टार्ट होगा ना तो हार्डली हार्डली 4 बजे तक खत्म हो जाएगा, पूजा के टाइम तक फिनिश हो जाऊंगा मैं, फ्री हो जाऊंगा सब कुछ। तो मुझे 4 बजे से पता है पूजा की कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना सारा खाना बनाना तो पड़ेगा मुझे मैं पूजा क्या के लिए। करूंगा यार? तो यार करवा चौथ के दिन ऐसे कौन बुलाता है अपने घर में, मेरे को तैयार भी होना होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ बैठे होंगे सब, तुम लोग सब मैच एंजॉय करोगे, मैं कैसे कैसे मैनेज करूंगी यहाँ पे सब। अरे यार हम सब लोग यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे होंगे आराम से। मुझे तैयार नहीं होना होता है करवा चौथ वाले दिन, पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से होना होता है कि नहीं होना होता है? ठीक है तो मैं टीवी दूसरे रूम में ले आके लगा लूंगा बस। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। वाह वाह वेरी गुड, मतलब मैच जरूर देखना है करवा चौथ गई भाड़ में है। तो यार तुम पता नहीं कैसे बात कर रही हो, मुझे लगा था यार तुम्हें कोई भी 1% भी परेशानी नहीं होगी। तो अच्छा तुम मुझे एक चीज बता दो, देखो तुम्हारे रूम की परेशानी थी, तैयारी वगैरह डिस्टर्बेंस होता है तुम्हें, तो भाई मैं टीवी दूसरे रूम में ले आके लगा लूंगा, पहले से ही सेट कर लूंगा सुबह ही, ठीक है? रही मुझे बताओ मेरे लिए कल क्या क्या काम है। अरे यार ऐसे कौन बताते कल कल काम, जब जब टाइम आएगा तब पता पड़ता है कि डुगू को संभालना है कि क्या है, नवीन तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तब पता पड़ेगी कि पहले से ही बता दूं। यार इतने टाइम से करवा चौथ मैं भी देख रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, कुछ काम जो बहुत छोटे छोटे होते हैं जो मैं कर लेता हूँ। एक बात बताओ, कल करवा चौथ वाले दिन तुम्हारे फ्रेंड सारे यहाँ आ रहे हैं, मतलब क्या, मतलब बिल्कुल भी उनको दिमाग नहीं है इस तरह से कि कल करवा चौथ है तो किसी घर यार में बाई चांस, बाई चांस पड़ गया है ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच करवा चौथ वाले तो दिन। उनकी वाइफ नहीं रखेंगी क्या फास्ट वगैरह, उनकी वाइफ को कोई चिंता नहीं है यहाँ पे आ जाएंगे? भैया मुझे तो पता नहीं है, पता नहीं ऐसा कुछ क्या होता है कि पतियों को या शाम की तो जरूरत पड़ती है, छलनी देख लो, दिए चढ़ा दो, पानी पीना उनके हाथ से। तो उनकी वाइफों को उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब? भैया मुझे तो पता नहीं है, शायद मेरी तरह कोलू कोलू के बैल की तरह वो तो लगे नहीं रहते। कोलू को बैल नहीं होता है नवीन, एक दिन की बात होती है, बीवियों को जरूरत होती है हस्बैंड की थोड़े सपोर्ट की, ठीक है?
वैसे तो हम सारे हर समय सब दिन ऐसे निकाल ही लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। एक दिन होता है जिसमें फास्ट रखते, थोड़ी हेल्प की जरूरत होती है। तुम भी ऐसी बात कर रहे हो, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, अच्छी बात है आए, पर मतलब किसी और दिन आ जाए वो। यार इंडिया पाकिस्तान का मैच कल है, तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही हो? एक बात बताओ, और सुबह सुबह 7:30 बजे आ जाएंगे, सुबह 7:30 बजे तो हम लोग सो के उठते हैं। तो टीवी दूसरे रूम में लगा होगा यार, पहले से ही रात को ही एडजस्ट कर दूंगा। ऐसा करो तुम, ऐसा करो, चलो ठीक है मैं नीचे ले जाऊंगा, सबसे बढ़िया। नीचे नहीं, तुम चले जाओ अपने फ्रेंडों के यहाँ या फिर कहीं और बाहर जाके एंजॉय करो। तुम रहने दो, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम जाओ ना, तुम शाम को आ जाना टाइम से, बस पूजा के वक्त में। भाई मैंने अपने दोस्तों से वादा कर दिया है कि मेरे घर में हो जाएगा, क्योंकि उनके घर में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैंने कह दिया मेरे घर में आ जाओ यार, कोई बात नहीं है। और तुम अभी यार ये नहीं सोच रही हो, मैंने अपने दोस्तों से मैंने वादा कर दिया है। कितने फ्रेंड आ रहे हैं तुम्हारे? 7। वेरी गुड, 7 फ्रेंड आ रहे हैं। देखो तुम्हें 1% कोई भी दिक्कत होगी नहीं, ना चाय के लिए ना पानी के लिए, किसी चीज के लिए तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा नहीं। खाना पीना खाएंगे नहीं, वो पूरे दिन रहेंगे तो यहाँ कहेंगे कि देखो भाभी ने खाना भी नहीं बनाया, खाना भी नहीं खिलाया, हम पूरे दिन बैठे। खाना मैं बाहर से मंगा लूंगा। और बोलो, वाह, बताओ, पूरी प्लानिंग कर रखी है। कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लिया करो किसी को इनवाइट करने से पहले। एक बार हमारी तुम्हारी शादी के बाद पड़ा था वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, तब मैं एंजॉय भी नहीं कर पाया था ना देख पाया था, क्योंकि तब मैं शादी होली न्यूली मैरिड थे, तो मैं घर पे ही तुम्हारे साथ देखा था, शायद तुम्हें ध्यान होगा। ठीक है, अब चांस पड़ रहा है इतने सालों बाद, तो अब मैं देखूं नहीं? करवा चौथ भी तो साल में एक बार पड़ती है। ये साल में एक बार पड़ रहा है करवा चौथ? वो 4-5 सालों के बाद हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, बुला लेना। 2 साल तो कोविड को ही हो गए। ठीक है बुला लेना, मैं नहीं कह रही कुछ। ठीक है बुला लो, तुमसे कुछ कहो तो फिर बुरा और मान जाओगे, फिर गुस्सा से हो जाओगे, फिर रहने दो, तुम बुला। अच्छा तुम मेरे को ये बता दो काम क्या क्या पड़ेंगे, अगर मेरे को ऐसा लगता है मेरी जरूरत होगी तो मैं नहीं बुलाऊंगा। चलो बताओ काम क्या क्या है। ऐसा क्या तुम कोई वो मतलब काम वाली हो जो डेली का मतलब झाड़ू पोछा बर्तन कराना है मुझे? हाँ मतलब ये है कि बाय चांस उस टाइम पे मुझे जरूरत पड़ जाती है कि ना प्लीज थोड़ा सा ये काम कर देना, इस तरह से होता है काम। मेरे को कोई वैसा थोड़ी ना काम कराना है कि तुमसे बर्तन मंजवाने हैं या खाना बनवाना है, ऐसे पूछ रहे हो क्या काम है? तुमसे उम्मीद नहीं थी, इतना तुम दिमाग खराब करके रख दिया तुमने मेरा। पता है और कोई होता ना मेरे साथ मेरी हेल्प के लिए तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती, अब मैं अकेली हूँ, मुझे सब कुछ मैनेज करना होता है, घर भी देखना है, खाना भी बनाना है, बच्चा भी देखना है, पूजा की तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा हो जाती है प्रॉब्लम। पर ठीक है तुम अपने फ्रेंडों को बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं अपना है, मतलब मैं कर लूंगी, कैसे भी बेहोश होना होगा, गिरना पड़ना हो, कैसे भी होगा मैं कर लूंगी, गिर पड़ के कैसे भी। ठीक है, पर तुम्हारा मतलब मजा खराब नहीं होना चाहिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखो, फुल एंजॉय करो फ्रेंडों के साथ, खूब चेयर करो यहाँ पे बैठ के। हाँ इंडिया इंडिया इंडिया, भले ही बीबी मर रही हो वहां गिर जाए चक्कर खा के व्रत में, पर तुम अपना एंजॉय करना फुल। ठीक है, और इंडिया जीत जाए तो पूजा वाले घर में बियर पार्टी ला के पी ले। ठीक है, ये समझदारी है तुम्हारी। मतलब यार बियर के लिए तो कह चुका हूँ बाहर पी लेंगे, फिर भी कब पियोगे? शाम को पियोगे ना, शाम को पूजा का टाइम होता है, तुम बियर पी के आओगे, बियर पी के तुम पूजा में बैठोगे। ठीक है गुस्सा शांत कर लो। चलो ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं देखूंगा मैच मेरे को। चलो एक काम कर लो, क्या है, तुम सुबह 7:30 से मेरे साथ बैठ के मैच देखोगी। आरती कौन करेगा तुम्हारी है? अरे घर का देखो, घर का जो काम होगा वो काम वाली कर जाएगी। ठीक है, अब मेरी शर्त फिर यही है, जब दोस्त दोस्त नहीं तो फिर तुम मेरी दोस्त नहीं बन के बैठो मेरे साथ। अरे यार मैं देखो चाय नाश्ता मैं बना दूंगा, खाना पीना बाहर से आ जाएगा। हाँ पर शाम को 4 बजे के बाद तुम्हें रात का जो खाना पीना बनाना वो तुम भाई बना लेना, क्योंकि वो तो पूजा वाला जो खाना है वो तो बाहर से आ नहीं सकता है। ठीक है एंजॉय करेंगे, पर तुम ये करो, ये बोलो कि कल मेरे सामने कोक और पॉपकॉर्न और कोक नहीं लेके आओगे। तुम्हारे सामने मतलब मेरे मेरे बाल में बैठ के एंजॉय नहीं करोगे? यार ये कौन सी बात हुई यार, ये कौन सी बात, तुम्हारा व्रत है तुम मत खाना, हमें तो नहीं भाई, मैं तो खाऊंगा, डुगू खाएगा। नहीं तो ये कौन सी बात है, मैं व्रत में बैठी हूँ, मैं चेयर कर रही हूँ, तुम मेरे बगल में बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हो, कोक पी रहे हो। भाई ये तो गलत चीज है भाई,
नहीं ये कोई बात नहीं होती है, देखो तुमने एक कंडीशन रखी, एक कंडीशन मैंने रखी, मेरे सामने नहीं, हम परसों फिर से एंजॉय करेंगे, ऐसा करेंगे कि हम मैच को रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम परसों एंजॉय करते हैं यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हेलो, मैं दोस्तों के संग ही देख लूंगा, ठीक है? नहीं सुनो, हम ऐसा करेंगे कि मैं दोस्तों के संग देख लूंगा। नहीं अरे यार वो रिकॉर्डिंग कर लेंगे फिर। अरे नहीं नहीं एंजॉय करेंगे, मैं दोस्तों के संग देख लूंगा यार। ये बताओ यार, मतलब मैच देख लें यार, मैच देखते टाइम तो मैं अक्सर यार पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक या कुछ स्नैक्स तो खाते ही है, मतलब तेरा व्रत तो हमारा भी व्रत। मैं पार्टी ऑफर करूंगी परसों, अगर परसों हम रिपीट करके फिर से देखेंगे, अगर इंडिया जीत गई तो पार्टी मेरी तरफ से, कोक भी, कोल्ड ड्रिंक भी, सॉरी कोक भी, पॉपकॉर्न भी। और ना 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 ना, मुझे नहीं देखना तेरे साथ मैच, और मैं वैसे भी प्रैंक कर रहा था मैं, ठीक है? ठीक है, नई जगह कैमरा लगाया, देख ले। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। देख ले बिल्कुल स्पीकर पे छुपा के रखा है, ठीक है? प्रैंक कर रहा था। और सुन, मैं अकेला देख लूंगा, पर बिना कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न खाए बिना नहीं देखूंगा, मुझे नहीं देखना तेरे संग, ठीक है? तू अपने दूसरे कमरे में सोइयो, आराम करियो, मुझे नहीं पता। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो पहले वो पॉपकॉर्न खा लेना पर बिना बटर वाले। कौन सी बात है कि पॉपकॉर्न खा लेना बिना बटर वाले? बटर डाला। अरे मुझे देखना ही नहीं है तेरे संग मैच, वो तो मैं ऐसे ही प्रैंक कर रहा था, तो बदले में बात कर रहा था। तुम्हें पता है कि मुझे बटर वाले पॉपकॉर्न कितने अच्छे हैं, मूवी हॉल में जाते थे तो बड़ा वाला टब लेते थे, वो मजे से एंजॉय करते थे, तो बटर वाला पॉपकॉर्न नहीं आएगा, और आया तो देख लेना, मैं उठा के देखूंगी। बटर वाले पॉपकॉर्न खाएगी, मतलब मैं नहीं खाऊ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखते हुए तेरी वजह से। जगा भी गया, पापा प्रैंक नहीं करोगे, और यार इतना टाइम, वो तो सही है मैंने कैमरा नहीं ऑन कर रखा था, नहीं तो उसकी मेमोरी फुल हो जाती। अरे उसको बीच में जाना पड़ गया था, तो अच्छी लगाई, तभी तो 3 घंटे लगे ना। कितना अच्छा तुम्हारा नाम वगैरह, देखो नाम भी लिखवाया है मैंने। देखो ये, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, दिखाई दे रहा। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स बाय बाय। वीडियो को आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि एक न्यू टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स बाय।